सो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका पावर एंड द गैलेक्सी वॉर के एक और नए सबसे खतरनाक वाले रेड गेम प्ले वीडियो में। तो यार ये है सोलो रेड जो कि मैं लेट डाल रहा हूँ। आई नो कि अभी अलायंस रेड स्टार्ट हो चुकी है, बट भाई कल से मेरे घर पे जो है थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं तो मैं नहीं डाल पाया यार, एंड वॉइस ओवर भी नहीं कर पाया बिकॉज यार गेस्ट के सामने नहीं कर सकता यार, मेरी गान पड़ती है थोड़ी सी, समझ रहे हो आप लोग मतलब। तो अभी भी मैं आउटडोर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, घर पर तो मेरे बस की बाहर मतलब बस के बाहर है देन यार, इसीलिए वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेट आ रही है, अदरवाइज कल ही रेड गेम प्ले आ जाती। तो यार देखो अभी के लिए हम लोग जैमा वाला नोट कंप्लीट कर रहे हैं जो कि एक नीचे का नोट यानी कि मेन नोट के जो नीचे बिलो वाले नोट रहते हैं तीन, उसमें से ये एक नोट है। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद जो है मेरा डैमेज जो रहेगा नेक्स्ट वाले नोट में वो डबल एंड हेल्थ भी डबल हो जाएगी। तो मैं अभी जैमा को ख़त्म करूँगा एंड डैमेज एंड हेल्थ जो है वो डबल करूँगा, एंड उसके बाद जो है भाई साहब मैं एक मेन नोड पे अपना हाथ साफ़ करूँगा ताकि भाई मेन नोड को ख़त्म करने से मेरा जो है मॉडिफायर्स बढ़े एंड एक एनर्जी में ही मेरा जो है वो नोड कंप्लीट हो जाए। एक लेजेंडरी मिलेगा बढ़िया 15-18 लाख वाला, कोई भी यार अपन नोड कंप्लीट करेंगे, बाकी देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन वाइट निंजा के साथ इसकी माँ का भाई साहब, इसकी माँ का साखी माँ का नाका। ओके, तो अभी तक जो है अभी खाई चल वाह वाह लपेटे लपेटे लपेट लेंगे, कोई दिक्कत की। अरे यार एक तो यार कभी कभी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि कभी कभी वाइट निंजा के यार सभी लेजेंडरीज की बात होती है, अगर कोई ट्रिक है इसकी तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके मतलब मैं बनाने का सोचूंगा, पर यार कभी कभी होता है सुपर मोड दबाते ही जो ईपी कॉस्ट है वो भर जाती है यानी कि रिकवर हो जाती है, 10 तक की काउंट तो नहीं लेकिन 4-5 की काउंट भर जाती है। एंड कभी कभी यार होता है कि एक या दो ही ईपी कॉस्ट आती है, साला बहुत मोड ख़राब होता है भाई। सुपर मोड लेने का फ़ायदा क्या हुआ भाई फिर, मतलब क्या ही मतलब बनता है, सुपर मोड दबाएं एंड 4-5 ईपी कॉस्ट हो तो सीधा 10 हो जाए तब तो मज़े हैं, ठीक है 0 हो तो 4-5 हो जाए तब भी मज़े हैं, फ़ायदा ही क्या है भाई जब एक को ईपी कॉस्ट नहीं, एक ईपी कॉस्ट बढ़ा के भी क्या ही कर लेंगे समझ रहे हो। तो यहाँ पे वो भाई साहब क्या उड़ा रही है। तो यार मेरे को लग नहीं रहा कि भाई मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँगा बिकॉज यार देखो यार टाइम इज़ ओवर। ओके, टाइम अप हो चुका है गाइस, टाइम अप हो चुका है। एंड अभी जो है अपन इसको दूसरे वाले एक और एनर्जी से ख़त्म करेंगे जो कि ग्रीन रेंजर से। यार बता दूं मैं कि ग्रीन जियो भी आउट ऑफ प्रीमियम हो चुका है, सभी को फ्री में मिल रहा है, एंड आई होप यार आप लोगों को भी रेड से ग्रीन जियो फ्री में मिल गया होगा, एंड जिस किसी को भी नहीं मिला है यार जल्दी मिल जाएगा। एंड कितने लोगों को अभी तक की ग्रीन जियो जो है फ्री में मिल चुका है रेड से या कहीं और से या फिर बॉक्स ओपनिंग से, कहीं से तो मिला होगा यार, प्लीज़ मेरे को कमेंट में करके बताओ कि किस किस को ग्रीन जियो फ्री में मिल चुका है। कोयल तेरी माँ का छोला भाई, घर पे गेस्ट हैं यहाँ पे, मैं मतलब घर पे तो वॉइस ओवर कर नहीं सकता इसलिए मैं आउटडोर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। यहाँ पे साले चिड़िया मेरी गाण मार रही हैं भाई, मतलब चिड़ियों से मैं बहुत परेशान हूँ, चिड़िया ना हुई सारी भाई साहब चलो कतर दिया, चिड़िया ना हुई मेरे वॉइस ओवर की वाट लगाने वाली हो गई भाई। तो यहाँ पे कुल मिला के कांड चल रहे हैं एंड बम बम। तो एक हो एम्बिशन भाई साहब, एम्बिशन को भी लेवल 3 करना है। एंड एक बात बता दूं यार, तुम्हारे भाई को मिल के आया है रायू लेजेंडरी वाला, मतलब ये रायू कैरेक्टर लेजेंडरी वाला। एंड भाई अनलॉक करने के बाद भी मेरे को उसके 10 से 11 एक्स्ट्रा शार्ड मिल चुके हैं, यानी कि अगर अलायंस रेड में मेरे को उसमें 8-10 शार्ड मिल गए भाई तो डायरेक्ट मैं उसको लेवल 2 कर सकता हूँ, मतलब समझ रहे हो, मतलब क्रेज है भाई, दबदबा है हमारा यहाँ पे, समझ रहे हो, रोला है भाई हमारा समझ रहे हो। तो कुल मिला के मैं हैप्पी हूँ, रायो की अनबॉक्सिंग में बहुत सारे क्रिस्टल उड़ाए। अगर आपने रायो की अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा यार तो क्या कर रहे हो यार, अभी तक ये वीडियो देखने के बाद तुरंत से रायू की अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देखो भाई, बहुत तगड़ा तुम्हारे भाई ने अनबॉक्सिंग करी है। एंड भाई पैसे की कोई कमी नहीं थी तब भी मैंने दोस्तों से उधार लेके जो है रायू की अनबॉक्सिंग करी है। एंड यार ये जो नया वाला रेंजर आ रहा है भाई साहब, ओए होए होए आ रहा क्या यार, गेम में है, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, वेट करो जल्दी ही वीडियो आएगा, थोड़ा सा हिल्ला लगा रहा हूँ यार समझ रहे हो। जितने मेरे पास क्रिस्टल थे उतने में अनलॉक नहीं हुआ, उतने में मेरे को 7 शार्ट्स मिले हैं, मेरे को 1500 क्रिस्टल अराउंड और चाहिए होंगे शायद से अनलॉक करने के लिए, बाकी देखते हैं यार, राम भरोसे जो है अपन चल रहे हैं अभी तो। बाकी भाई अभी जल्दी ही यार उसको भी अनलॉक करने का मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैंने कल रात को अनबॉक्सिंग करी थी 12:30 बजे के बाद, लेकिन 7 शार्ट ही मेरे को मिल पाए हैं अभी तक कर, एंड मेरे सारे क्रिस्टल ख़त्म हो गए थे, करीब 2500 के करीब मेरे पास क्रिस्टल थे वो ख़त्म हो गए, 2500 नहीं शायद 2200 थे शायद। एंड आज सुबह की लॉगिन में मेरे को 170 और मिले, तो मतलब भाई 2500 ही ऑलमोस्ट मान लो, ठीक है। तो कुल मिला के भाई साहब मतलब लगी पड़ी है, मेरे को लगता है कि 3500 तक मेरे को ये वाला करेक्टर मिलेगा। मैंने खेल के देखा ये वाला करेक्टर जो है वो एवरेज है, एंड इतना भी मतलब अच्छा नहीं है इतना भी बेकार नहीं, तो कुल मिला के काम चलाओ करेक्टर है एंड ठीक है यार। एक ब्रेकर अच्छा है लेकिन वो भी मिस हो सकता है सेंट्रल नाइट के स्ट्राइक की, जैसे सेंट्रल नाइट का स्ट्राइक फास्ट है, इसका ब्रेकर थोड़ा सा स्लो है सेंट्रल के कंपेरिजन में, बाकी ठीक है यार। तो यहाँ पे मैंने टायर 19 का एक बॉक्स कंप्लीट किया है, बूम बाम इसमें से ओ भाई साहब,
तो देख रहे हो यार, सबूत के तौर पे मेरे को एक लेजेंडरी शॉट और मिल गया है रायू का, बहुत तगड़ा। और मिलता रहे तो मजे हैं यार, इसको और कंप्लीट करेंगे एंड भाई साहब अपने डैमेज एंड हेल्थ जो है वो डबल करेंगे। अगर आपने रेड्स के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी थी तो यार वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, रेड सोलो रेड टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर कि कैसे आपको खेलना है रेड, ताकि आपका डैमेज एंड मॉडिफायर जो है बहुत तगड़ा हो जाए भाई साहब, ताकि आपको जो है मज़े आ सके यार। तो यहाँ पे भाई साहब मतलब यार वीडियो देखोगे तो आपको कैसे खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब गर्लफ्रेंड से बात करनी है, कब शादी करनी है, कब बच्चे नहीं वो मैं मतलब है कि कब घर वालों को पटाना है मनाना है यार, कब फ्लैट लेना है, कब घर लेना है, कब समझ रहे हो ना, फ्यूचर प्लानिंग कब करनी है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन कब दिलाना है, सब मैंने सोलो रेड में टिप्स सोलो रेड की टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में बताया है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे प्यार करती है तो उसको मेरा नंबर दे दो, कुल मिला के बाकी सब वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वीडियो ज़रूर देखना, बस मैं इतना कहना। अरे इसकी माँ का छोड़ा, ठीक है, ओके नो वरीज भाई। इसको कुत्ता भरने का मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, शायद मैं इसे लपेट दूँ। 70 seconds लेफ्ट हैं, 70 भी नहीं, और करीब 3 लाख 3.5 लाख ओके 5 लाख 6 लाख ही तो थी इसकी टोटल हेल्थ, 5,84,000 मतलब 5,80,000 थी ऑलमोस्ट। अभी जो है इसको भर देंगे यार, 58 seconds है हमें, बहुत सही बेटे, ऐसे ही डिफेंसिव पेलते रहो, तुमको हम पेल देंगे शाबाश। तो आओ, ओ हो एनर्जी ऑफ का गोला, ओ भाई साहब लपेट देता अभी मेरे को, लेकिन ठीक है यार, मिस होता है तो बहुत तगड़ा है। ओ भाई साहब आओ करीब यार, देखो ब्लैक डीडी एक, अरे भाई साहब क्या बात है, जो मूव लॉन्ग रेंज होना चाहिए डिफेंसिव वाला वो साला शॉर्ट रेंज है, और जो शॉर्ट रेंज होना चाहिए था उसका तो बेड़ा ही करके, बाकी तो दोनों शॉर्ट रेंज है, स्ट्राइक थोड़ा सा लॉन्ग है, वो भी बकवास ही है, कुल मिला के ब्लॉक हो जाती है, कैंसिल भी हो जाती है, बहुत सही। आओ 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 आओ, बूम, मालूम था हरामी हो। ओके तो यहाँ पे भी तुम्हारे भाई ने जो है इसका स्वर भर दिया भाई, अब मेरा जो है हेल्थ एंड डैमेज जो है वो डबल हो जाएगा, एंड अगले वाले नोट को भी अपन कंप्लीट करेंगे एज वी नो कि भाई साहब हरामी मानो। ओ भाई साहब सैम को भी level 3 करना है, level 3 हो गया होगा शायद, मैंने देखा नहीं, शायद level 3 है ऑलरेडी, बाकी शायद नहीं है, पता नहीं कुछ। 18,92,000 यानी कि 19 लाख की HP है, एंड भाई मेरा मैग्ना का डैमेज जो है डबल नहीं हुआ है, मेरे को नहीं पता है कि मैग्ना का डैमेज एंड हेल्थ डबल क्यों नहीं हुई। मैग्ना का डैमेज 40,000-50,000 का है भाई, अगर किसी को पता है कि यार इसका डैमेज एंड हेल्थ डबल क्यों नहीं हुई तो प्लीज़ मेरे को जो है कमेंट में बताना, ताकि भाई नेक्स्ट टाइम अपन जो है डैमेज एंड हेल्थ जो है वो डबल ले सकें। अभी तो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई हुआ क्या है, क्योंकि यार इसके पहले वाला जो नोट था उसमें जैक डी थॉमस का डैमेज एंड हेल्थ डबल हो गई थी, पर इसमें मैग्ना में क्यों नहीं हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कि क्या हुआ था मायूबे, मतलब इसकी क्यों नहीं हुई भाई। 60,000 ही है बस, 120,000 होनी चाहिए थे, 1,20,000 होनी चाहिए थी ना भाई। ओके तो यहाँ पे भाई 15 लाख इसकी रह गई है, जो कि अपने 4 लाख बहुत हाथ पैर जोड़ के कंप्लीट करिए। भाई साहब क्या स्ट्राइक मारते हैं लौंडे भाई, मैं बता दूँ बहुत गंदा मारने का। ओ भाई साहब, ओ भाई। ओके मैं डिफेंसिव खेलता तब भी मेरा काम हो जाता, लेकिन तुम्हारे भाई को तो नशे करने हैं, तुम्हारे भाई को, अरे माँ का छोला। ओ भाई 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 साहब भाई साहब, एक सेकेंड, आओ 2 मिनट, बूम क्या बात है, ब्रेकर लपेटो, बूम पेल दे यार। देखो जितना हमने सोचा था उतना तो नहीं हो पाएगा, मेरे को लगता है इस वाले नोड में जो कि 19 लाख की हेल्थ का है, इसमें मेरे को लग, अरे सीढ़ी की भाई साहब भर दी सुअर। ओके नो वरीज गाइस। तो इसी के साथ जो है एक और एनर्जी अपन लगाएंगे, क्योंकि भाई सोलो रेट ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द, ख़त्म हो जाएगी क्या यार, ख़त्म हो चुकी है, वीडियो लेट आ रहा है वो आप लोग समझो, ठीक है। तो सोलो रेट जो है वो हाल ही में ख़त्म हो चुकी है, अभी अलायंस रेट चल रही है। भाई अलायंस रेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या जानते हो, देखो सबसे मतलब प्रॉब्लम नहीं है यार, ये अच्छी चीज़ है और ये सबके साथ होनी चाहिए, पर यार मौका नहीं मिलता। देखो सोलो रेड में सबने अच्छा खेला, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेरे अलायंस में सभी लोग अभी जो है रेड खेलने वाले हैं बहुत तगड़ा, ठीक है। तो रात को मैं करीब 1:30 बजे के बाद सोया, ठीक है, तो सुबह जाहिर सी बात है यार मैं लेट उठूंगा, करीब मैं उठा 7:30 बजे 8 बजे ऐसे में उठा, ठीक है। जब मैंने गेम ओपन करके देखा मायूबे, सोलो रेड की तो बात खत्म, छोड़ो अलायंस रेड जो शुरू हुई थी भाई, उसके नीचे के तीनों पैरा में सब कंप्लीट भाई, लेजेंडरी शॉट वहां पे मिलते हैं 8-8, 10-10 लाख की हेल्थ देने पे, एक लेजेंडरी शॉट 10 लाख की हेल्थ देने पे मिल जाता है, ठीक है भाई। नीचे के तीनों स्लॉट के सारे लेने देने खत्म कर दिए भाई अलायंस वालों ने, भाई हम क्या खेलें, मतलब हमारे लिए सिर्फ मेन नोट छोड़े, नीचे के सब समाप्त, समय समाप्ति की घोषणा, इसकी माँ का भाई ये क्या, मतलब ये कौन सी बकेती है भाई। सब लोग खेलो, सब लोग थोड़े थोड़े नोट भेजो, सबको कंप्लीट करने को, तो सबको लेजेंडरी रेंजर चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास level 3 है तो मुझे चाहिए नहीं भाई, level 4 करना है तुम्हारे भाई को, लालच बुरी भला है, और ये लालच सबके अंदर होता है, हमारे अंदर भी, हम मानते हैं मायूबे, लेकिन भाई ये तो गलत बात है कि मायूबे जो देर में खेलेगा उसको भाई नीचे के सब ऑलरेडी कंप्लीट भाई, तीनों स्लॉट के कंप्लीट भाई, जो 15-20 निकलते हैं ना लेजेंडरी शॉट हर स्लॉट में, मतलब एक एक
एक एक पैराग्राफ में करीब करीब 14 लेजेंडरी शॉट होते हैं, सब में मिलता है ठीक है, एक एक रेयर और कॉमन वालों को छोड़ के। भाई सब कंप्लीट, मेन वाला भी नीचे का कंप्लीट। भाई हम क्या खेलें, हम मेन नोड, हम सिर्फ बॉस नोड खेलने के लिए बने। साला 50,000 की हेल्थ है उनकी, माई हुए मारते मारते जवानी निकल जाती है, फिर बुढ़ापे में एक शॉट देते हैं वो भी असिस्ट का। वो करेंगे क्या उस असिस्ट का ना, हमें लीडर चाहिए ऐसा, समझ रहे हो। तो यार ये मैं अपनी अलायंस वाले अगर कोई देख रहे हैं तो भाई रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लिए इस गरीब को भी, मतलब यार समझ रहे हो, कि दो चार सस्ते सस्ते छोटे छोटे बच्चों वाले एकदम लुल्लू जैसे यार नोड कंप्लीट करने का मौका दें, क्योंकि भाई हमें भी लेजेंडरी शॉट चाहिए। एंड आप लोग भी निकालो, मेन नोड भी करो थोड़े थोड़े सारा, हमारे लिए सब मेन मेन नोड छोड़ देते बहुत गलत बात है, हमारी लंका लग जाएगी वे। ओके तो यहाँ पर मैं अपना रंडी रोना ख़त्म करता हूँ, बहुत देर से रो रहा था आप लोगों के सामने। अरे भाव सिटिक बारिश, ओके ओके रह जा साले, मेरी हेल्थ रह गई 4,000, रह जा चलो ठीक है। ओके ओके रह गया है भाई, ओके अब 8,00,000 इसकी हेल्थ है, मेरे को पता नहीं कि मैं इसको कितना मार पाऊंगा। 65 सेकंड थे मेरे पास, बम बम स्वाइप 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 सो पीछे चल मार चुक जाएगी। ओके स्वाइप स्वाइप तो मैं कर रहा था, बहुत सही। तो यार इसका डैमेज बहुत सीढ़ी का बड़ा सही है भाई, बहुत सही है। एंड्स की रेंज भी मिडल स्लॉट कामडोर का तगड़ा है, बस थोड़ा सा ईपी कॉस्ट ज़्यादा है, जो स्ट्राइक है उसको 4 होना चाहिए था, जो ब्रेकर उसको 3 होना चाहिए था, बाकी फर्स्ट स्लॉट ठीक ठाक है, जो डिफेंसिव है उसको 3 होना चाहिए था, एंड स्ट्राइक तो 3 ऑलरेडी है, तो मतलब बाकी ठीक है। अगर अगर इतना मार इस मादर, ओके पेल दिस कोई बात नहीं, अगर इतना रहता भाई तो तुम समझ रहे हो यार, मतलब मेटा रेंजर होता यार ये, मतलब मेटा का मतलब खतरनाक होता। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन यहाँ पे कुत्ता भरने तुले हुए हैं। यहाँ पे इसकी 3,00,000 अराउंड हेल्थ रह गई है, मैं होपफुली इसको गैल से पेल दूंगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास गैल आ रहे है, भैया क्या पेल रहा है भाई, आए मेरे को 10 सेकंड नहीं हुआ, बस 10,000 की एचपी छोड़ी से 14,700 का। ओके चलो मैं, मेरे गेम से बाहर निकलने का टाइम आ गया गाइस। बूम, अरे नहीं मैंने सोचा एक दो कॉम्बो बना लेता हूँ, लेकिन भाई लगता तो नहीं कि मेरे, अरे 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 आजा थोड़ा सा लैग टाइप बजा, ये चक्रम की पीछे से कहाँ से आ गया भाई, अच्छा वो वीडियो कट की प्रॉब्लम थी। ओके ओके क्योंकि विकास मेरा दुबे दोस्त है भाई, विकास तो देखो यार वीडियो दो पार्ट में रिकॉर्ड थी, एक में कंबाइंड करी है तो थोड़ा सा कट प्रॉब्लम आ जाती है रेड में। आई नो यू नो, पता है ना भाई इंग्लिश मेरी कितनी सस्ती है। तो आओ इसी के साथ आजमाते हैं। अरे भाई साहब क्या बात, क्या ही बात, अच्छा स्ट्राइक मार। ओ भाई 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 65 सेकंड से 45 सेकंड तक 20 सेकंड तो मैंने इसे होल्ड कर लिया, अब आगे की ज़िंदगी भाई इसके हाथों में है, मेरे को पता नहीं। अरे भाई आगे की ज़िंदगी इसके हाथों में, मेरे को बचा लो प्लीज़, मैं बता रहा हूँ मेरे छोटे छोटे बच्चे होने वाले। अबे बाबा बाबा चलो बच गया, अभी तो बच गया करीब करीब, अगर मेरे को 10 सेकंड तक टाइम मिल जाए और तो मैं थोड़ा सा। अरे भाई 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 1,00,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, अबे यार कुत्ता भरिस 22 सेकंड हैं अभी। ओए ओके तो जैसे तैसे ऐसे वैसे मैंने करीब 60 सेकंड से लपेट के 40 पे कर दिया, मतलब 20 पे कर दिया, 65 से 15 कर दिया, 50 सेकंड तो मैंने हैंडल कर लिया इसको। ओ भाई भाई मैं गया। अरे यार 5 की ईपी वाला डिफेंसिव भरा नहीं था भाई, मूव नहीं भरा था, ईपी कॉस 3 या 4 हुई थी शायद, 4 की ईपी कॉस पे जाके अटक गया, 5 की अगर ईपी कॉस भर गई होती ना भाई तो शायद मैं उसको डिफेंस कर ले जाता, लेकिन बट बिकॉज विकास दुबे मेरा दोस्त है, आप लोग तो जानते ही हो यार, मोहित भी है साला सुतरी का। ओके तो ओ भाई 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 मैंने मिडल स्लॉट दबाया था शील्ड वाला, लैंडी खिलाड़ी था इसीलिए भाई ब्रेकर दब गया मुझसे, एंड स्ट्राइक ने लपेट दिया, फिर गुंडा बन गया मैं, समझ रहे हो। गुंडा बनना कोई आर्ट वाट कला नहीं है भाई। ओ भाई 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 चलो 8,776 साले 76 का ही केस लगेगा, आप देख लिए इसके ऊपर। ओके तो एक ओहो सैम दे रहे हैं भाई, सैम पे बड़ा खुश है भाई, क्या दिक्कत है, 6 एनर्जी रह गई है बस, 6 ही एनर्जी रह गई है बस कुत्ता भरने में भाई, 6 एनर्जी रह गई है बस, समझ रहे हो। मैं सोच रहा हूँ साला कौन सा नोट कंप्लीट करूँ, चलो जेमा वाला ही कंप्लीट कर देता हूँ गाइस। 132 और 124 हेल्थ है और 124 डैमेज, बोम बाम। तो ये वाला नोट जो है अपन कंप्लीट करेंगे, एज वी नो कि भाई ये बड़ा मद्दा डैमेज है, मतलब बहुत सही है यार। तो बोम इसमें मिला था असिस्ट बहुत तगड़ा, तो भाई इसको मैंने कंप्लीट करते तो नहीं दिखाया, लेकिन इसमें मिला था असिस्ट जो कि बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट हुआ था। अभी जो है आप लोगों के लिए मैं खेल के दिखाऊंगा एक ये मेगाजोर्ड, क्योंकि भाई मेगाजोर्ड में 16% एचपी जो है प्लस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई 16% अगर एचपी प्लस हो रही है तो फिर यार मेगाजोर्ड खेल लेते, क्योंकि यार मेरा मेगाजोर्ड का बिल्कुल भी जो है अपग्रेड नहीं था, तो थोड़ा सा मतलब एचपी अगर ऐड हो जाएगी तो मज़े आ जाएंगे, समझ रहे हो मतलब। तो इसीलिए मैं सोचा भाई कि कर लेता हूँ ये एक नोट, एंड एक ही एनर्जी बची थी यार, तो मैं सोचा भाई यही ठीक है एक एनर्जी में और भला। ओ भाई साहब 1,20,093, ओ भाई तो आप तगड़ा 1,20,093 भाई, 2,00,000 नहीं। ओके तो यहाँ पे भाई 16% एचपी जो है मेगाजोर्ड की प्लस हुई है आप लोगों के सामने। भाई साहब ये डेनी सुअर आया है,
अनबॉक्सिंग जल्दी आएगी, ठीक है। सुअर नहीं, कुत्ता है भाई, कुत्ता। एक भी लेजेंडरी नहीं, क्योंकि ये टायर 6 था शायद, ऐसा कुछ। बाकी इतना मैप मैंने सोलो रेड में एट दी एंड कंप्लीट किया है। मॉडिफायर्स मेरे 124 और 126 शायद, ऐसा कुछ है। अच्छा नहीं खेला यार, बिकॉज़ विकास दुबे मेरा दोस्त है। बाकी अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई यार, तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। वीडियो चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।